हेलो एवरीवन, ये MSP नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का पार्ट 5। इससे पहले के पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सीधे प्लेलिस्ट से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई ऐसे रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने ये सोचा कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है, अगर हम लोग उसे इम्प्रूव कर देंगे तो वुमेन्स के कंडीशन को भी इम्प्रूव हो जाएगा। विद्यासागर इन कलकत्ता, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो कलकत्ता में रहते थे, और उनके साथ कई अदर रिफॉर्मर्स जो बॉम्बे में रहते थे, उन्होंने कई स्कूल खोले। और जैसे ही ये स्कूल्स खुलना शुरू हुए, कई लोग उससे घबरा गए, क्योंकि मिड 19th सेंचुरी में नए स्कूल खुले और लोगों को लगने लगा कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो वो लोग घर से दूर हो जाएंगी और फिर वो डोमेस्टिक ड्यूटीज भी नहीं करेंगी। और इससे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनको ये लगी कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से ट्रैवल करना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए, उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए। वो लोग ये सोचते थे कि ये उनके लिए शर्मनाक बात होगी। उन्होंने ये सोचा कि कई पीपल उन्हें डिस्टर्ब करेंगे पढ़ने से, और कुल मिला के सारे उस समय के समाज को ये लगता था कि गर्ल्स को घर में बैठना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी वजह से जो 19th सेंचुरी की कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, वो स्कूल जाके या फिर घर से बाहर निकलकर नहीं पढ़ी थीं। उन्होंने अपने हस्बैंड से शिक्षा ली थी, अपने पढ़े लिखे फादर से शिक्षा ली थी, और या फिर कुछ वुमेन्स खुद से भी पढ़ा करती थी। आप लोगों को तो याद ही होगा रश सुंदरी देवी के बारे में, हम लोगों ने पिछले क्लास में इनके बारे में पढ़ा था। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि इन्होंने खुद से छुप छुपा के लिखना और पढ़ना सीखा था, और वो भी झिलमिलाती कैंडल के लाइट में, और वो भी अंधेरी रात में। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता और एक सेंचुरी बीत गई, फिर आर्य समाज वाले लोग जो थे, उन्होंने पंजाब में गर्ल्स के लिए नए स्कूल्स खुलवाए, और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में स्कूल खुलवाए गर्ल्स के लिए। और कुछ जो मुस्लिम महिलाएं थीं जो नॉर्थ इंडिया में रहती थीं, उन्होंने भी कुरान को अरेबिक में पढ़ना सीखा, और उन्हें पढ़ना सिखाया किसने, गर्ल्स ने। यानी कि गर्ल्स जो थीं, जो पढ़ी लिखी गर्ल्स थीं, वो बड़े लोगों के घर पे जाती थीं, उन्हें अरेबिक सिखाती थी, कुरान पढ़ना सिखाती थी, जिससे जो गर्ल्स थी वुमेन टू वुमेन टीचिंग आगे बढ़ रही थी कई क्षेत्रों में। मुझे लगता है इससे आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन या फिर मेरे जीमेल पर मुझसे जुड़िए, मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अब मुमताज अली ने क्या किया? मुमताज अली ने कुरान का उदाहरण देकर वुमेन्स के एजुकेशन को बढ़ावा दिया। अब देखिए, उर्दू नॉवेल जो थी वो लेट 19th सेंचुरी में अरेबिक में बनने लगी। इससे क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उन्हें बढ़ावा मिला, उन्हें एनकरेजमेंट मिला, और वो कई सारी बुक्स भी पढ़ सकती थी। फिर धीरे धीरे कर उनका नॉलेज बढ़ा और उन्होंने अंडरस्टैंडिंग सीख ली कई लैंग्वेज को। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब देखिए, अब महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई काम करती थीं, जैसे बेगम्स ऑफ भोपाल। ये बेगम्स ऑफ भोपाल की कुछ इमेजेस हैं, आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला लड़कियों के लिए जो अलीगढ़ में स्थित है। और एक और रिमार्केबल वुमेन थी बेगम रोकिया शाखावत हुसैन, जिन्होंने मुस्लिम के लिए एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल खोला जो पटना और कलकत्ता में स्थित है। वो इससे नहीं डरती थी कि कुछ लोग कंजर्वेटिव आइडिया, जो बड़े लोग हैं, वो उनका विरोध करेंगे या फिर उन्हें देश निकाला कर दिया जाएगा। वो बस निडर होकर आगे बढ़ती रहीं। और देखिए, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि तुम्हारी टेंशन खत्म मतलब हमारी भी टेंशन खत्म। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1880s में जो इंडियन वुमेन थी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में एंटर करना शुरू कर दिया। कई वुमेन्स डॉक्टर के लिए ट्रेन हुई, कई टीचर्स बनी, और कई अलग अलग फील्ड में जाकर अपना नाम रोशन करके आईं। इसके बाद कई वुमेन्स ने भी अपने वुमेन्स सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू किया। ताराबाई शिंदे, उन्होंने एक एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोला पूना में, और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की, स्त्री पुरुष तुलना। अब इसके बाद देखते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। वो एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की,
उन्होंने संस्कृत पढ़ा हुआ था और उन्होंने ये सोचा कि जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू सोसाइटी है, वो बहुत ओप्रेसिव है, वो बहुत दबाव डालती है वुमेन्स के ऊपर। इसी वजह से उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें माइजरेबल, बहुत बेकार जो अपर कास्ट वुमेन हिंदू की लाइफ होती है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा। उन्होंने एक नया होम बनाया विडोज के लिए, विडोज मतलब विधवा लोगों के लिए एक नया होम बनाया पूना में, जो शेल्टर प्रोवाइड करता था विडोज को या फिर उन वुमेन्स को जो अपने हस्बैंड के थ्रू बैड ट्रीटेड हुई हैं। और वहां पर वुमेन्स को ट्रेन किया जाता था कि कैसे वो अपनी इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ा सके, यानी कैसे वो पैसे कमा सके, उनका स्किल डेवलपमेंट होता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वुमेन्स आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने ये देखा कि जो वुमेन्स हैं, हिंदू नेशनलिस्ट ने ये देखा कि ये जो वुमेन्स हैं वो वेस्टर्न वेज की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, और उन्होंने ये सोचा कि ये करप्ट कर देगा हिंदू कल्चर को, यानी कि जब वुमेन्स ही नहीं मानेंगी हिंदू कल्चर को तो फिर धीरे धीरे देश भी हिंदू कल्चर से दूर हो जाएगा। और वही हाल था मुस्लिम का, जो चेंजेस, नए चेंजेस जो थे, डरे हुए थे। अब देखिए, वुमेन्स जो थी वो लोगों के कहने से नहीं डर रही थी, उन्होंने नई बुक्स पब्लिश करनी शुरू की, मैगजीन में एडिटेड किया, और आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही थी कि वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि वुमेन्स को आगे बढ़ाना चाहिए। कई ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए और कई वुमेन एसोसिएशन बनाए गए जहाँ पर वुमेन्स को अच्छे से ट्रीट और ट्रेन किया जाता था। और 20th century में कई पॉलिटिकल लोगों ने वुमेन, फीमेल सफरेज के बारे में लॉज बनाने की कोशिश की, उन्हें राइट टू वोट देने का अधिकार किया और उन्हें बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन दिलवाने की मांग की। कुछ लोगों ने सोशल और नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू कर दिए वुमेन्स के लिए, और 1920s की ये सारी कहानी है जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया। अब देखिए, अब 20th century, 90s का समय, यानी 1900 का समय, कई बड़े लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ये डिमांड की कि जो वुमेन्स हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और उन्हें छूट मिलनी चाहिए कि वो जो करना चाहें वो करें। उन्होंने ये भरोसा दिलाया वुमेन्स को भी और मेन्स को भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आज़ादी के बाद, सबको एक साथ मिलकर अभी चलना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे तो विदेशियों से नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सबको न्याय मिलेगा। और इसी के साथ हम लोगों का ये पॉइंट कवर होता है। इसके बाद के पार्ट में हम लोग कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म पढ़ेंगे।